बोलिए लाडली लाल की। तो स्वामी राम तीर्थ का रोग था सेव, उन्होंने कहा हर बार मर जाता है सेव में, श्याम सुंदर में लगाओ तो सेव सुंदर में जाता है। तो उन्होंने एक सेव रखा सामने और उसको देखने लगे, लगातार देखे जा रहे। दिन हो गया, रात हो गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, सेव सड़ गया, कीड़े पड़ गए। तब मन से कहते हैं, क्यों रे मन, ये सेव देख सामने खाएगा, ये क्या खाएंगे, तो बड़ा हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप राम जी, अभ्यास कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मन के ऊपर, सामने सेव रख करके नहीं खाएंगे, कोई इलाज नहीं, दुराग्रह, आज तुम जीत गए और कल तो सामने बड़ा बुखार, ये कोई इलाज नहीं। रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में रुपया लेकर, एक हाथ में मिट्टी लेकर, इस हाथ की मिट्टी को इधर और इस रुपये को इधर यो फेंक रहे, दिन भर ही करते रहे, क्या कर रहे स्वामी जी आज, टाका माटी टाका माटी टाका माटी, क्या मतलब टाका माटी मानी, क्या मतलब ये रुपया जो है मिट्टी है, मिट्टी जो है रुपया है, रुपया जो है मिट्टी है, ये अभ्यास कर रहे हैं ताकि लालच ना हो, मैं तो बता रहा हूं, कुछ कुछ प्रयोग सबको होता है, हमको भी कुछ होगा, आप लोग जानते हो, हाँ बताओ, खा बता, टाका माटी किए जा रहे हो, इससे क्या होगा जी, अरे तुम माँ के उपासक हो, दुर्गा माँ के, उनमें मन लगाओ, टाका माटी क्यों कर रहे हो, हाँ जो कुछ नहीं करता उसके लिए तो कुछ ठीक है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा इन सब साधनों से, लेकिन ये मन का निग्रह इम्पॉसिबल। अरे आप गधे की अकल से समझिए, देखिए आप लोग साइकिल चलाते हैं, हाँ तो साइकिल अगर चलती रहे सीधे लेफ्ट राइट पीछे कहीं चलाओ घुमाते रहो तो साइकिल सवार गिरेगा नहीं, अगर साइकिल चलाना बंद करने की आपने सोचा तो आप गिर जाएंगे, साइकिल का चलना बंद हुआ कि सवार गिरा, तो उसी प्रकार इस मन को सदा चलाते रहना होगा, चाहे संसार में ले जाओ, संसार बुरा है तो भगवान में ले जाओ, इसको रोक करके पेंडिंग में आप नहीं रख सकते, ये चलने वाली चीज है, बस चलती रहे तो खैरियत, रोकना असंभव है, ये ऐसी मशीन नहीं भगवान ने दी है कि आप उसको रोक करके लॉक कर देंगे कहीं पर, चलो जी मन को हमने वहां लॉक कर दिया है, अब हम तुम, अरे तुम क्या, तुम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, मन के बिना क्या वर्क होगा, क्लोरोफार्म सुना दो किसी को या गहरी नींद में सो जाए कोई, अब कुछ सोच रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, अरे इतने शोरगुल में छे छे ढोल बजते हैं फिर भी लोग सो लेते हैं, यहां पर देखो प्रत्यक्ष, और अगर कहते हैं खड़े हो तो जो देखते हैं हमारी तरफ, हमको नहीं कह रहे हैं, तो पीछे की तरफ देखते हैं, यानी हम बच जाए तो अच्छा है, पीछे वाले की तरफ देख रहे हैं उधर कोई सो रहा हो तो सोना जो है वो एक ऐसी चीज है कि उसमें विस्मरण हो जाता है सब कुछ, तो विस्मरण के बाद जब आंख खुली तो थोड़ी देर को होता है चूक, इसलिए वो समझता है कि मैं सो तो नहीं रहा हूं, देख रहा हूं, सो पा रहा हूं, वर्तमान में नहीं सो रहा हूं लेकिन अभी 4 सेकंड पहले सो रहा था, ये उसको फील नहीं होता, जब मन का वर्क बंद हो जाता है जब गहरी नींद में,